सूरत के घोड़ाधरा इलाके में रात्रि कर्फ्यू के दौरान एक लिस्टेड बुटलेगर की दादागिरी का मामला सामने आया है। बुटलेगर ने एक महिला को अपना जन्मदिन होने की बात बताकर आशीर्वाद मांगा। उसने आशीर्वाद नहीं दिया तो पिस्तौल से उस पर गोली चला दी। गोली महिला के चेहरे पर लगी और गंभीर रूप से घायल हो गई। हल्ला होने पर हमलावर वहां से फरार हो गया। आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत के घोड़ाधरा महाराणा प्रताप सोसाइटी के निवासी संगीता गोविंद आहिरे उम्र 38 साल पर महाराणा प्रताप चौक में ही रहने वाले बुटलेगर रामू गोस्वामी ने बुधवार रात फायरिंग की। संगीता 10 बजे अपने घर का काम निपटा कर गली के नाके पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास कचरा फेंकने के लिए गई थी। उस दौरान कचरा फेंकने के लिए आई उसकी देवरानी सुशीला उससे मिली। दोनों बातचीत करने लगे। मंदिर के निकट बेंच पर बैठ गई। इस बीच उनकी पुत्रियां भी वहां आकर बैठ गई। वे आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय रामू एक अन्य युवक के साथ पैदल ही वहां पर आया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने संगीता से कहा कि मासी आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद देंगी क्या? इस पर संगीता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? इस पर वह भड़क गया। उसने पिस्तौल लोड किया और संगीता पर गोली चला दी। गोली संगीता के चेहरे में लगी और हल्ला होने पर वहां लोग जमा हो गए। वह वहां से भाग निकला। लोगों ने गंभीर हालत में संगीता को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के संबंध में उसकी देवरानी की प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि संगीता बेगमपुरा के घरेलू कामकाज करती थी। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि इसी क्षेत्र का होने के कारण वो रामू को जानती थी, लेकिन उससे किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत। गई काले 21 एप्रिल रात्रि 10 वाग्या सुमारे घोड़ाधरा पोलिस स्टेशन विस्तार में आवेल महाराणा प्रताप सोसायटी पासे राधाकृष्ण मंदिर छे। ते मंदिरनी आगळ बे बांकड़ा मुकेल छे। बांकड़ा उपर बे बहनों संगीताबेन अने सुशीलाबेन त्यां बेसेल हता। ए समये ए विस्तार में रहेतो रामू गोस्वामी नामनो ईसम जे लिस्टेड पुरोहित बुटलेगर पण छे ते त्यां आवेल अने ए बहनों साथे कोईपण मगजमारी अथवा कोईपण झगड़ो करी अने एणे कोई आर्म्स अथवा फायर आर्म्स जेवा हथियार थी फायरिंग करेल। અને એ ફાયરિંગમાં સંગીતાબેન ગોવિંદભાઈ આહિરેને માથાના ભાગે નાક પાસેથી કંઈક ગોળી વાગતા એ ગંભીર રીતે ઈજા પામેલ છે અને હાલમાં તેઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે। આ ઘટનામાં સુશીલાબેનની ફરિયાદ લઈ અને રામુ ગોસ્વામી વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 307 અને આર્મ્સ એક્ટના અલગ અલગ કલમ મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને હાલમાં આરોપીની ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે, તપાસ ચાલુ છે। તીસરા જે લિસ્ટેડ બુટલેગર છે તેના તરફ પોલીસ તરફથી કોઈ અગાઉ કાર્યવાહી? આ રામુ ગોસ્વામી જે લિસ્ટેડ બુટલેગર છે એના વિરુદ્ધમાં પ્રોહિબિશનના ગુના પણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। અગાઉ લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન જ્યારે અસ્તિત્વમાં હતું ભેગું ત્યારે એની વિરુદ્ધમાં બે પાસાની દરખાસ્ત પણ કરી અને બે વખત એને પાસામાં પણ મોકલવામાં આવેલ છે અને પ્રોહિબિશનના ગુના પણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। આ લિસ્ટેડ બુટલેગર છે એની વિરુદ્ધમાં આ કાર્યવાહીઓ થયેલી છે અને હાલમાં આ ગુનો દાખલ થતાં એની શોધખોળ ચાલી રહી છે। ફાયરિંગનું કારણ હાલમાં કારણમાં એવું જણાય છે કે આ રામુ ગોસ્વામીએ ત્યાં આવીને પોતાની બર્થડે હોય અને બર્થડેમાં આ ગિફ્ટ મળેલ છે અથવા તો મારી બર્થડે વિશ નથી કરતા એમ કહીને આ બહેનો સાથે ઝઘડો કરેલ છે એવી ફરિયાદમાં એમણે જાહેરાત કરેલ છે। હાલમાં હજુ વધુ તપાસ કરી એમાં શું કારણથી અને આ ઘટના થઈ છે તેની તપાસ ચાલુ છે। નહીં, કોઈ દુશ્મની અથવા જૂની અદાવતનું કોઈ પણ હજુ સુધી કારણ સામે આવેલ નથી। તપાસમાં હજુ સ્ટેટમેન્ટ ચાલુ છે।